Hey guys, what's up? This is Shivani from eGadgets for you. दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके लैपटॉप के ऊपर अब लैपटॉप स्किन कैसे अप्लाई कर सकते हो. हाँ दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है और ये टिप्स आपको जानना चाहिए. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले दोस्तों ये जो आपके पास लैपटॉप का स्किन है इसको आपको ये लैपटॉप के ऊपर जो है ये ऊपर में यहाँ पे ऐसे रख के देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा छोटा ये कितना है. वैसे दोस्तों देख के ऐसे ही खरीदना चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा हो ताकि उसको आप ठीक तरीके से रिसाइज कर सकोगे. अब रिसाइज कैसे करना है ये करने के लिए आपको ये स्केल का जरूरत होगा. ये स्केल से आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना होगा कि ये कितना इंचेस या फिर कितना सेंटीमीटर्स का है. उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ये स्केल को रख के कि कितना यहाँ पे है. और मार्किंग करने के बाद आप नाइफ के मदद से या फिर सीजर की मदद से उसको वैसे काट सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ. अब दोस्तों यहाँ पे ये दिखाना एक जरूरी है. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लैपटॉप्स में यहाँ पे दो हिंजेस है, यहाँ पे और यहाँ पे. और अगर मैं ऐसे लैपटॉप को यहाँ पे यूज करता हूँ कि इस तरह से स्टिकर को रहे, तो आप देख पाओगे कि ये हिंजेस यहाँ पे मुझे करना है. ये भी करने के लिए दोस्तों आपको ये स्केल का मदद लेना होगा. स्केल के साथ आपको ये मेजरमेंट लेना है कि कितना इंचेस या फिर कितना सेंटीमीटर का ये हिंजेस है. और उसके बाद आपके स्किन को ऐसे रखते हुए यहाँ पे ये मार्किंग करना है कि कहाँ से ये हिंजेस आ रहा है. और मार्किंग करने के बाद ये जो मेजरमेंट आप लिए हो हिंजेस का, वो मेजरमेंट यहाँ पे देना है और फिर से वो पेन से आपको ऐसे मार्किंग कर देना है. और दो पॉइंट पे अगर मार्किंग के दो पॉइंट पे ऐसे मार्किंग करने के बाद आप इसको ये लाइन यहाँ पे डाल सकते हो. और डालने के बाद यहाँ पे एक मेजरमेंट हो गया हिंजेस जिसको आपको काटना है. ऐसे वैसे ही यहाँ पे भी जो हिंजेस है सेम तरीके से आपको मेजर करना है मार्किंग करने के बाद और वहाँ पे उसको ऐसे काटना है. तो दोस्तों ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब जाके हम लोग क्या करेंगे, ये सीजर की मदद से ये जो मार्किंग में किया हूँ ये मार्किंग को ऐसे काटना पड़ेगा. जैसे कि आप देख पाओगे एक तरीके से मेरा काटना हो गया. अब ये दूसरे एंड पे भी मैं कर लूंगा. अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दोनों हिंजेस मेरा काटना ऐसे हो गया. और यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो ये एकदम ठीक तरीके से फिट हो रहा है. अब आता है दूसरा स्टेप दोस्तों. दूसरा स्टेप ये करने के लिए आपको पहले ये जो क्लीनिंग वाइप्स है वो क्लीनिंग वाइप्स से ये लैपटॉप के ऊपर का जो हिस्सा है इसको साफ करना है. तो ये भी हमको करना पड़ेगा. और ध्यान में रखना दोस्तों कि डस्ट फ्री एनवायरनमेंट पे आप काम करो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां पे डस्ट उड़ रहा है और डस्टिंग का वो ऐसे एनवायरनमेंट है वहां पे ये करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये डस्ट यहाँ पे अगर आ गया तो बबल्स आ जाएगा. तो दोस्तों डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. अब दोस्तों ये हो जाने के बाद ऐसे ठीक तरीके से पूरा देखना पड़ेगा फिर से कि सेटिंग जो है वो बराबर हो रहा है कि नहीं. अब दोस्तों ये स्टिकर का जो एक एज है यहाँ पे, एज पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये स्टिकर ऐसे खुल जाता है. तो वो एंड को थोड़ा आपसे थोड़ा सा ऐसे ओपन करना है और फिर जाके वो हिंज के ऊपर से शुरू करना है ताकि एकदम बिल्कुल ठीक तरीके से इसका सेटिंग हो पाए. जैसे कि आप देख पाओगे एक एंड को लगाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे आप लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा जो पेस्टिंग है वो कैसे आएगा. अगर बीच बीच में बबल्स आता है तो फिर से थोड़ा बहुत ऐसे उठा के उस जगह को फिर से पेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो बबल ऐसे चला जाए. जैसे कि देख पा रहे हो बीच बीच में अगर बबल आता है तो फिर से उसको उठा के ठीक तरीके से पेस्टिंग कर रहा हूं मैं. लास्ट की जगह पे जब आप आओगे तो अगर आपके पास ऐसे कोई कार्ड्स है तो वो कार्ड्स का इस्तेमाल भी आप कर पाओगे, क्योंकि कार्ड से क्या होता है ये जो बीच बीच में बबल्स आ रहा है वो थोड़ा बहुत चला जाएगा इससे पेस्टिंग अगर ठीक तरीके से हम लोग करते हैं तो. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बबल्स जो है वो हम लोग ऐसे मिटा दे रहे हैं.
जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कार्ड्स का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से एंड का जो हिस्सा है वो ठीक तरीके से हो रहा है एकदम। बीच बीच में थोड़ा बहुत जो बबल्स है वो भी ऐसे चला जाता है अगर ठीक तरीके से ये कार्ड से आप इस्तेमाल करते हो तो। और ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हो गया है मुझे पेस्टिंग करना पूरा। ये जो लैपटॉप का स्किन है वो अच्छे तरीके से ऐसे यहाँ पे सेट हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यही है टिप्स ट्रिक्स, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सावधानी से करने से ये ठीक तरीके से हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पेस्टिंग हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।